दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे YouTube चैनल पैरामेडिकल कैरियर एकेडमी में। और दोस्तों बहुत सारे बच्चे जो है वेट कर रहे थे कि सैनिटरी इंस्पेक्टर का, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, अधिशासी अधिकारी का, रेवेन्यू ऑफिसर, राजस्व अधिकारी की जो रिक्वायरमेंट है जो DLB के द्वारा आती है, तो उसकी वैकेंसी के लिए पूछ रहे थे सर कब तक आएगा कब तक आएगा। तो उन सभी भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि वैकेंसी आ गया, अब आपको जो करना है जो कर लीजिए, जो खाना है वो खा लीजिए। देखता हूँ मैं भी कि बहुत दिनों से जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं आखिर वो अपनी वैकेंसी को फंसाने के लिए अब क्या करते हैं। वैकेंसी तो आपके आया लेकिन ये जो वैकेंसी है इन्होंने एक गेम खेल दिया है सरकार ने कि ये जो है संविदा कर्मचारी, ठीक है, जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक है, उन्हीं से आवेदन मांगे हैं, ठीक है, मतलब ये अपना काम निकाल रहे हैं, अपनी गली निकाल रहे हैं और प्रेस रिक्वायरमेंट इन्होंने नहीं निकाली है, मतलब प्रेस कैंडिडेट इस पोस्ट पे अप्लाई कर ही नहीं सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रशासन शहरों के संघ अभियान 2021 में दृष्टिगत विभिन्न कार्यों को शीघ्र निष्पादन हिंदू स्वायत्त शासन विभाग के अधीन राज्य की नगरीय निकायों में अधिशासी अधिकारी वर्ग द्वितीय, अधिशासी अधिकारी वर्ग तृतीय और अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ, राजस्व अधिकारी द्वितीय, कर निर्धारक के रिक्त पदों हेतु राजस्थान नगर पालिका सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों अधिकतम 65 वर्ष तक की आयु में एवं सहायक अभियंता सिविल के रिक्त पदों पर राज्य सरकार या समस्त राजकीय उपक्रम बोर्ड या निगम राजस्थान नगर पालिका के सेवानिवृत्त सहायक अभियंताओं से कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक F15-1 कार्मिक से जो है 31 मार्च 2015 के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 151 के अंतर्गत राज्य के निर्णय दिनांक 22/9/2014 के प्रावधानों के अंतर्गत पे या पेंशन के आधार पर पुनर्नियुक्ति हेतु दिनांक 8/11/2021 तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी कार्मिक संलग्न आवेदन पत्र के साथ PPO की प्रतिमय पहचान पत्र संलग्न कर निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग में व्यक्तिगत या ईमेल ID के आधार पर जो है आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या निम्नानुसार है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैकेंसी तो काफ़ी खाली पड़ा है, तो आपके जैसे कि आपको पता होगा 37 वैकेंसी जो है अधिशासी अधिकारी की चतुर्थ की जो थी इन्होंने विधि विभाग से स्वीकृति ली हुई थी और RPC को भेज भी दी थी। तो यहाँ पर अधिशासी अधिकारी की मैंने आपको बोला था जैसे वैकेंसी बढ़ करके आ सकती है। तो देखिए दोस्तों इन्होंने यहाँ पर 50 वैकेंसी मेंशन की है, ठीक है, अधिशासी अधिकारी चतुर्थ की, और अधिशासी अधिकारी वर्ग द्वितीय की जो है 2 वैकेंसीज है, अधिशासी अधिकारी वर्ग द्वितीय की तृतीय की 2 है और द्वितीय की भी 2 है। तो दोस्तों जो वैकेंसी 37 थी वो 50 हो चुकी है, ठीक है, और यहाँ पर राजस्व अधिकारी की जो वैकेंसी 14 थी वो 30 हो चुकी है, ठीक है। कर निर्धारक की जो यहाँ पर वैकेंसी नहीं थी वो 30 है और सहायक अभियंता की 102 पोस्ट है। तो दोस्तों वैकेंसी तो बहुत सारी है, इसके अलावा भी ये वैकेंसी जो है अगर सरकार चाहे तो ये वैकेंसी भी कम पड़ेगी, इनको ये वैकेंसी भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो अभी कल की ही न्यूज़ है कि श्रीमान अशोक गहलोत जी ने जो है जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कल ही जो नगर पालिका नई घोषित की थी, ठीक है, 26 नई नगर पालिकाएँ उनमें जो है कल ही नए पदों का सर्जन किया है जिसमें अधिशासी अधिकारी चतुर्थ, राजस्व अधिकारी और सैनिटरी इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पद जो है सर्जित किए हैं और उन पे भी जो है इनको आगे जा करके वैकेंसी निकालनी पड़ेगी या बजट में घोषणा करके वैकेंसी जल्द ही जारी करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले ही आइडिया लग गया था कि मुझे इन्होंने जो 37 वैकेंसी जो घोषित कर रखी है, ठीक है, विधि विभाग जो स्वीकृति ले रखी है वो कम है और इनका प्लान यह था कि वैकेंसीज इंक्रीज करके निकालेंगे, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये वैकेंसी इस प्रकार से निकालेंगे। जो रिटायर्ड कर्मचारी है उन्हीं से आवेदन मांगेंगे, प्रेस कैंडिडेट के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये जैसे कि UP में जो है प्रियंका गांधी जी कह रही है कि यहाँ के जो बेरोजगार युवा है उनके साथ अन्याय हो रहा, तो मैं प्रियंका जी से पूछना चाहूँगा कि राजस्थान में जो आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, क्या वो युवाओं के साथ जो है यहाँ पर धोखा नहीं कर रही है? वो क्या यहाँ पर राहत प्रदान कर रही है? आपको पता है कि जैसे कि इन्होंने कंप्यूटर टीचर की भर्ती भी जो है इन्होंने सरकार में आने से पहला वादा किया था कि हम कंप्यूटर शिक्षकों की जो है नियमित भर्ती करेंगे और इन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर निकाली। उसके बाद जब बेरोजगार युवाओं ने उसका विरोध किया, प्रियंका जी से जाकर के मिले, तब जाकर के श्रीमान अशोक गहलोत जी ने जो है उनको राहत प्रदान की है और रेगुलर वैकेंसी, परमानेंट वैकेंसी निकाला है। तो दोस्तों अगर आपने इस वैकेंसी का अगर विरोध नहीं किया है तो ये वैकेंसी अगर निकल गई अभी एक बार, ठीक है, तो आपके जो है मान के चलिए आप 1 या 2 साल 3 साल ये निकाल भी सकते हैं। 3 साल तक इनको कोई वैकेंसी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब ये पद भर जाएंगे एक बार तो ये 65 साल की एज तक तो ये रिटायर्ड होने वाले नहीं है दोबारा से, ठीक है दोस्तों। तो आप इस चीज़ को समझिए, 65 साल मतलब आपके 3 साल तक ये वैकेंसी नहीं भी निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनका काम होता रहेगा और आप बेरोजगार के बेरोजगार रहेंगे, सरकार पलट जाएगी लेकिन आपकी वैकेंसी नहीं आएगी दोस्तों। तो आपको इसका विरोध करना पड़ेगा, पूर्व जो विरोध करना पड़ेगा तभी जाकर के आपका काम बनेगा दोस्तों, क्योंकि वैकेंसी जैसे कि मैंने आपको बताया EO RO और यहाँ पर SSCR कर निर्धारक की भी वैकेंसी दे रखी है इन्होंने, बहुत अच्छी वैकेंसी है। सहायक अभियंता सिविल की भी 102 वैकेंसी है। तो अब समय आ गया कि सभी बच्चों को एक साथ एकजुट होकर के इसका विरोध करना पड़ेगा
और अब भी अगर आप विरोध नहीं करते हैं तो ये वैकेंसी आ ही चुकी है और इस पर आवेदन करेंगे और वही रिटायर्ड कर्मचारी जो है वो मज़े करेंगे 2-3 साल, 4 साल 5 साल तक, या जो भी उनकी रिटायर्ड की एज है, जैसे 4 साल की एज में तो ये रिटायर्ड हो ही जाते हैं और 5 साल और एक्स्ट्रा जॉब करेंगे तो 5 साल तक अच्छा खासा पैसा छापेंगे। और आपको 5 साल तक जो है जब तक ये सीट खाली नहीं जाता तब तक वेट करना पड़ेगा, तब तक आप भी एवरेज हो जाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी जब तक आएगी तब तक तो आपके ये वैकेंसी ना घर की रहेगी ना गांठ की। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये वैकेंसी रुके तो आपको इसको विरोध करना पड़ेगा। ये सरकार चाहे तो इस वैकेंसी को कल की डेट में नोटिफिकेशन निकाल करके 1 महीने के 15 दिन के अंदर आवेदन मांग सकती है और 1 महीने के अंदर परीक्षा करवा सकती है। जैसे कि आप सभी को पता होगा इन्होंने सीनियर ड्राफ्टमैन और नगर नियोजन की भर्ती जो है 1 महीने में कंप्लीट करवा दी थी, 1 महीने में, और ज्वाइनिंग भी दे दी है। तो क्या इन भर्तियों पर, इतनी सी पोस्टों पर ये क्या एग्ज़ाम नहीं करवा सकती? क्या इतनी सी पोस्टों पर ये 2 महीने में क्लियर नहीं करवा सकती? लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं है, ठीक है, सरकार की बिल्कुल भी मंशा नहीं है बेरोजगारों को रोज़गार देने की। तो दोस्तों आप जाग जाइए अगर अभी भी आप नहीं जागे, क्योंकि सैनिटरी इंस्पेक्टर वाले तो सोए हुए हैं, उनसे तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहूँगा, ठीक है। ये उन्हीं का नतीजा है कि उनकी वैकेंसीज का नाम इस पोस्ट में भी नहीं है, ठीक है। अगर होता तो मुझे तो क्या कहूँ मैं, मतलब वो होता तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन बच्चों को, तो 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे उनके लिए रिटायर्ड कर्मचारी को लो चाहे किसी को भी लो, क्योंकि वो तो सोए हुए हैं और आप लोग भी अगर सोना चाहे तो सो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको जानकारी पसंद आई वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ठीक है, थैंक यू।